सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। राम गुरु देव जी को सिरी सिरी अनंत बार, राम गुरु देव जी को सिरी सिरी अनंत बार। सब बोलो बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे, बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पड़ो पाए, परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पड़ो पाए। मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे, मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति, कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे, कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे, लागे मीठो राम नाम लागे मीठो राम राम मोकू मेर, श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम, श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम, वाणी में कहूँ संतारो बखान रे, वाणी में कहूँ तो राम संतारो बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो, नाम री प्रतीत सुख सारण सांची आण रे, नाम री प्रतीत सुख सारण सांची आण रे। आइए दो मिनट सब भाव के साथ में अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की फांसी, हम अवगुण किए गणे रे फिर भी भले बुरे हम तेरे, हम अवगुण किए गणे रे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान कर नादान नादान, मोहे बख्श दियो अविन्यासी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की
मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम्हें याद करूं पल छिन में, मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम्हें याद करूं मैं पल छिन में, आपका ऐसा मक्खन ज्ञान ऐसा ज्ञान आ जगत बिलोवे लसी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, या दुनिया सुख से सोवे तेरो दास उठ कर रोवे, या दुनिया सुख से सोवे तेरो दास उठ कर रोवे, मेरा मेटो आवण जान अवण जान या करियो मेहर जरा सी, मेरा मेटो आवण जान या करियो मेरे जरा सी, सब बोलो मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, नहीं तपत शिला पर जलना नहीं चौरासी का दुख भरना, नहीं तपत शिला पर जलना नहीं चौरासी का दुख भरना, रोग कटिया सुमेरु समान आ गई रे तृष्णा खांसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट कालरी फांसी, तुम्हें कहाँ ढूंढ के ल्याऊं मैं तड़प तड़प रह जाऊं, तुम्हें कहाँ ढूंढ के ल्याऊं मैं तो तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर अस्थान अस्थान देई छोड़ तड़पती दासी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, गुरु गरीबदास जी दाता आपरी घणी सतावे मने बाता, गुरु हरि नारायण जी दाता आपरी घणी सतावे मने बाता, तेरा सुखदेव दास अज्ञान अज्ञान करो सत्य लोक का वासी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बोली राम जी महाराज की। सब जे बोलो, देखो महापुरुषों री संत महापुरुषों री जय जयकार सब ने करनी चाहिए, क्योंकि जे बोलने से उन महापुरुषों की हम जीवों पे कृपा होती है। सब जे बोलो, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, बोली आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, श्री आनंदी राम जी महाराज की, बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य
जगत गुरु रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता श्रीमद दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रैण धाम के उत्तराधिकारी जी महाराज श्री राम किशोर दास जी महाराज विराजित संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में राम सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों बहुत ही सुंदर राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरु महाराज की मेहर और दया से हम सब लोगों के पुण्य के प्रताप से बहुत ही सुंदर सप्तदिवसीय सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुंदर अवसर मिला है। सजनों दो प्रकार के महापुरुषों ने तीर्थ बताए हैं। एक होता है थावर तीर्थ स्थावर तीर्थ जिसे कहते हैं कोई थावर भी बोलते हैं और एक होता है जंगम तीर्थ। एक जगह जो तीर्थ स्थित है उसे थावर तीर्थ कहते हैं, जैसे गंगा का उद्गम और गंगा अंत में जहाँ विलय होती है। अभी यहाँ गंगा में स्नान करना है तो हमें हरिद्वार जाना पड़ता है। जो तीर्थ एक जगह स्थायी है उन्हें थावर तीर्थ कहते हैं और दूसरा है जंगम तीर्थ चलता फिरता तीर्थ। ये जो संतों की सत्संग है ये चलता फिरता तीर्थ है, ये चलती फिरती ज्ञान रूपी गंगा है। उस गंगा में नहाने से तो सिर्फ शरीर का मेल जाता है पर इस ज्ञान रूपी गंगा में कोई डुबकी लगाता है तो उसको मन के सारे ही मेल खत्म हो जाते हैं। इसलिए महाभारत काल में प्रसंग आता है, वो प्रसंग आता है ना कि जब माता कुंती को अज्ञातवास में प्यास लगी थी और पानी लेने के लिए गए थे नकुल जी सहदेव जी और वो यक्ष रहता था, उन्होंने कई प्रसंग किए थे। तो एक प्रश्न किया था यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कि इस दुनिया में सच्चा तीर्थ कौन सा है, जिस तीर्थ में नाने से इस जीव का कल्याण हो जाता है वो तीर्थ बताओ वो कौन सा है। वो गंगा है कि यमुना है कृष्णा है कावेरी है मक्का मदीना कौन सा तीर्थ है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा इस दुनिया में सबसे सच्चा तीर्थ कोई है तो वो संतों की सत्संग, सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। महापुरुषों ने गाया है भरा सतु संग का दरिया नाई लो जिसका जी चाहे। बोलो भरा है सत संग का दरिया नाई लो जिसका जी चाहे। जिगर में दाग पापों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। बोलो राम जी महाराज की बरा सत्संग का दरिया नाई लो जिसका जी चाहे। जिगर है दाग पापों का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। दरिया जी महाराज ने भी फरमाया दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल धरोई। तो सुंदर इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला है जिसमें दिन में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुन रहे हैं, संध्या की समय भक्तों का चरित्र विशेषते मीराबाई के जीवन का जो जीवन चरित्र चिंतन करने का सुंदर अवसर मिला है वो पावन प्रसंग प्रारंभ है। देखो भक्तों की जब कथा सुनते हैं तो रुचि पूर्वक सुननी चाहिए, भक्तों की कथा में कभी अरुचि नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी जो सुंदर कथा है मीराबाई का दिव्य जीवन। कल प्रसंग हमने छोड़ा था कि भाई मीरा विरह कर रही थी परमात्मा से, विरह है हमारे श्री दरियाव जी महाराज की वाणी में विरह का अंग।
और अनेकों सब संतों की वाणी में विरह का अंग आया है। विरह किसे कहते हैं ये समझना है। किसी की याद में रोना, पर ध्यान दे के सुनना भाई, एक तो विरह होती है और एक शोक होता है। विरह मुक्ति प्रदान करती है और शोक जन्म प्रदान करता है। विरह मुक्त करती है और शोक बंधन में डालता है। संसार में प्राप्ति अप्राप्ति में, सुख दुख में, हानि लाभ में, जन्म मृत्यु में, मान अपमान से पीड़ित होके कोई व्यक्ति रोता है उसे शोक कहते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, सहन नहीं हुआ, आंखों में अश्रु धारा बह गई, जीवन में कष्ट आ गया, सहन नहीं हुआ, आंखों में अश्रु धारा बह गई, किसी की मृत्यु हो गई, मन विचलित हो गया, आंखों में अश्रु धारा बह गई, कोई घाटा हो गया, हानि हो गई, आंखों में आंसू आ गए, उसे शोक कहते हैं। और शोक क्या करता है? रोना तो वही होता है, पर शोक जन्म प्रदान करता है। और दूसरी होती है विरह। विरह होती है परमात्मा की याद में, गुरु महाराज की याद में। विरह में कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है, बस निष्काम भाव से भगत अपने सदगुरु की याद में और उस पूर्ण परमात्मा की याद में जब रोता है उसे विरह कहते हैं। उस विरह में उसकी कोई कामना नहीं छुपी होती। देखो भगवान के लिए भी कई रोते हैं, ये भगवान मेरे ये नुकसान हो गया, वो रो रहा है, याद तो भगवान को कर रहा है पर उसमें कामना छुपी है, वो विरह नहीं है, वो शोक है। और निष्काम भाव से जो भगत रोता है उसे विरह कहते हैं। सजनों विरह हर किसी को नहीं आती परमात्मा की याद में। कौन परमात्मा की याद में रोता है? कोई बिरले ही भक्त होते हैं जो परमात्मा की याद में रोते हैं, कोई बिरले ही भक्त होते हैं जो संतों की सत्संग सुनते हैं और उनकी आंखों में अश्रु धारा बह चलती है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिसमें परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है उस भक्त के जीवन में विरह प्रकट होता है। दरियाव जी महाराज वाणी जी में फरमाते हैं, साधारण कृपा से सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, पर भगवान की विशेष कृपा होती है तब विरह प्रकट होती है। दरिया हरि कृपा करी, विरहा दिया पठाई, ये विरहा मेरे साधु को श्रोता लिया जगाए। यानी रोना परमात्मा के लिए। अब देखो रोने रोने में कितना फर्क है, एक संसार के लिए रोता है, एक राम जी के लिए रोता है, एक कामना से रोता है, एक निष्काम भाव से परमात्मा की याद में रोता है। पहचान किया है कि जो संसार के लिए रोता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है, उसके चेहरे पे तेज नहीं रहता है, और जो परमात्मा के लिए रोता है उसका जो चेहरा है उसका नूर अलग होता है भाई, उसके चेहरे की लालिमा ही अलग होती है। शोक में दुख होता है और विरह में सुख होता है, छुपा हुआ। और महापुरुषों ने तो इतना कह दिया कि एक बार भी कोई व्यक्ति निष्काम भाव से उस पूर्ण परमात्मा की याद में रो लेता है, आंखों में अश्रु धारा बहने लगती है, वो जीव कभी भी 84 लाख योनि में अधोगति में नहीं जाता है, वो वापिस मानव जीवन का अधिकारी होता है। विरह में इतनी शक्ति, परमात्मा की याद में रोना। रोई है संत, रोने के बिना मिलता नहीं है भाई। बालक रोता है ना तो ही माँ गोद में लेती है, रोने लग जाता है तो फिर माँ उसको गोद में लेती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है जागे और रोवे। दुनिया सुखी है क्योंकि वो भगवान को तो भूल चुकी है और ऐसे आराम में लगी हुई है, मौज कर रहे हैं, उनको क्या विरह का पता बताओ। उसको अभी ये पता नहीं है कि वो परमात्मा कितना दयालु है, उस परमात्मा की भक्ति के बिना परमात्मा से विमुख होके कितने जन्म ले लिए, कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, कितनी बार हम माँ के गर्भ में आए हैं। तो इसलिए अभी प्रार्थना में बोल रहे थे कि आ दुनिया सुख से सोवे
तेरे दास उठ कर रोए। ये दुनिया तो सुख से सो रही है पर तेरा दास रो रहा है। हमारे एक संत हुए थे, देखो भक्तमाल के बीच में मैं प्रसंग लेता हूँ, वीरे का प्रसंग आया तो मीरा की तरह एक विरही संत हुए थे बाजिंद जी। क्या नाम था? बाजिंद जी, जो मुस्लिम थे और उन्होंने स्वामी दादू दयाल महाराज के शिष्य हुए थे। देखो दरियाव जी महाराज के भी कई शिष्य मुस्लिम हुए थे। भक्ति में कोई जाति का कारण नहीं, सत्यवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका परमात्मा एक ही, कोई अलग नहीं है। ये तो आप मूर्ख लोगों की भ्रांतियां, अल्लाह अलग थोड़ी है, राम जी अलग थोड़ी है भाई। तो वाजिंद जी महाराज दादू दयाल महाराज के शिष्य थे, वो परमात्मा की याद में घने जंगल में बैठे थे और आंखों में अश्रु धारा बह रही थी, रो रहे थे, आंखों में अश्रु धारा बह रही है, कपड़े गीले हो गए। इतने में एक पंडित आता है जिनके हाथ में बड़ी सी पोथी, वो अस्त्रेखा के जानकार थे, वो ज्योतिष के जानकार थे, उनको कई चीजों का पता चलता था। अरे बोले के ये जंगल में ये जवान आदमी क्यों रो रहा है? जाके से क्या, अरे रो क्यों रहे हो? क्या किसी की मृत्यु हो गई है तुम्हारे परिवार में? क्या तेरा कोई मित्र रूठ गया है? क्या पत्नी नाराज हो गई है? रो क्यों रहा है? अब क्या बताएं उस संसारिक प्राणी को? सुन तो बाजिंद जी ने कहा कि मैं रो रहा हूं और वो कारण बता दूं तो क्या तू मेरी पूर्ति कर सकता है? तो वो पंडित बोलता है कि मुझे सब मालूम पड़ता है, मैं ज्योतिष का जानकार हूं, मैं अस्त्रेखा का जानकार हूं, मैं आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ ये बता सकता हूं तेरे जीवन की। ऐसा पंडित हमें कोई मिल जाए तो, और बताओ पंडित जी, बताओ पंडित जी, रुपया कद आई, पैसे कब होंगे, मैं धनी कब होऊंगा, ये प्रश्न करते हैं हम लोग। वो बोले मैं सब जानता हूं, तो पूछ ले, क्या पूछना तुझे? क्या तेरे ऐसे दिल में कसक है जिसके लिए तू रो रहा है? क्या तेरा खो गया है जिसके लिए तू रो रहा है? तो वाजिंद जी एक पद के माध्यम से पंडित को क्या कहते हैं, भाई आओ विरही जनों का एक पद सुने हम सभी लोग। धने बूझू रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कब होसी। धने बूझू रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कब होसी। मारो राम मिलन कब होसी, मारो राम मिलन कब होसी, मारो राम होसी। मैं बूझू रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारी आंख फरू के बाई, संत मिले के साई। मारी आंख फरू के बाई, संत मिले के साई। सब गाइए। अरे मेरा पिया परदेसा छाया, मेरा पिया परदेसा छाया, किण बिरण नहीं भरमाया। आथन पूजू रे पंडित जोशी, मारो राम पूजू रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मेरी रोई रोई अखियां राती, मेरो तन दिवलो मन बाती। मेरी रोई रोई अखियां राती, दिवलो मन बाती। हाँ मेरा जुर जुर पिंजर थीला, मेरा जुर जुर पिंजर थीला।
से जल भी न तल पे मीना तने गुजारे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद हो सी तने गुजारे पंडित जोशी राम मिलन कद हो सी उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिल लागा उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिल लागा गुसाई कद पूरे तने पुजारी पंडित जोशी मारो राम मिलन कद हो सी तने पुजारी पंडित जोशी मारो राम मिलन कद हो सी बोली राम जी महाराज की बोली भक्तुर भगवान की हे पंडित जी ये बताओ के थने बुजू रे पंडित जोशी मारो राम जी मिलन कद होसी राम जी कब मिलेंगे ये बताओ बाकी मिल भी जाएगा तो एक दिन भी छूट जाएगा अरे हम लोग संसारिक लोग किसी पंडित के पास जाते हैं किसी ज्योतिष के पास जाते हैं कोई हस्त रेखा का जानकार होता है उसके पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं अरे मेरी उम्र कितनी है बताओ मैं कितने साल जीऊंगा ये पूछते हैं अरे मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं पंडित जी बताओ ना कोई उपाय वो बागेश्वर बाबा जी बैठते हैं हजारों लोग आते हैं उनके पास 24 घंटे दुनिया के दुखड़े रोते हैं ऐसा कोई उपाय बता दो मैं धनी हो जाऊं पंडित जी ऐसा कोई उपाय बता दो मेरी 100 वर्ष की आयु हो जाए कुछ बताओ हमें ये पूछते हैं हम दुनिया की चीजें मांगते हैं संतों से गुरु लोगों से परमात्मा से अरे वो मिल भी जाएगी तो एक दिन बिछुड़ना होगा ज्ञानी है वो कभी धन दौलत संपत्ति गुरुदेव से या परमात्मा से नहीं मांगता भाई 1000 बीघा जमीन हो गई बड़ा बंगला हो गया बड़ी गाड़ी हो गई लंबा चौड़ा परिवार हो गया मिल गया फिर भी क्या मिला क्या मांगू कछु थिर ना रहाई देखत नैनी जग चल जाई एक लक पुत्र सवालक न्याती और उस रावण के घर दिया नहीं बाती क्या मांगना है सोना चांदी रावण के पास बहुत था सोने की लंका थी 1,25,000 घर परिवार में सदस्य थे और 10 मस्तक थे 20 भुजा थी इतना बलवान था क्या रहा धरणी दूर हो गया यार मिट्टी में मिल गया कुछ नहीं चला सा अरे देखते हैं लोगों को मंदिर में जाते हैं तो यही रोना पीटना है वहीं अरे भगवान मेरे पैसे दे दो अरे सर्वे शेर दुनियादारी की बातें मांगते हैं भिखारी हो गई है पूरी दुनिया ही अरे मांगो तो ये मांगो हे भगवान हे संतों ऐसा ज्ञान दो भक्ति दो हमें हमें ऐसी युक्ति बताओ आप अपनी कृपा दृष्टि बनाओ कि हम जीवन में सच्चाई के मार्ग पे चलें हम भगवान की भक्ति करें हम पल पल परमात्मा को याद करें ये मांगो भाई क्या मांगना अंधविश्वास में दुनिया झूल रही है अब तो जगह जगह ऐसे सेंटर खुले हुए हैं किसी की कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आओ किसी को वश में करना है तो हमारे पास आओ बताओ आप व्यापार में घाटा हो गया तो हमारे पास आओ हम वो युक्ति बताते हैं कि आपके मुनाफा हो जाएगा दुनिया भागती फिरती है उन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करती है अपना धन बर्बाद करती है मिलता कुछ नहीं क्या है झूठा पाखंड हम रेल में एक यात्रा कर रहे थे चेन्नई जा रहे थे मैं आपको सत बात बताऊं ये कितना पाखंड बढ़ रहा है आजकल दुनिया में ये बता दूं वो बता दूं जा रहे थे तो एक पंडित जी मिले हमें एकदम पूरी पंडित की वेशभूषा देखो हम पंडित में नहीं कह रहे हैं नाराज मत होना उदाहरण दे ए पास में बड़ी पोती जैसे बाजिंद जी को मिले थे ऐसे ही पंडित थे बड़ा तिलच्छा पा
मुलाकात हुई, बातचीत हुई, साधु की वेशभूषा हमारी भी तो बोले महाराज कहाँ से हो, हम बोले राजस्थान से, भाई आप कहाँ से हो, हम इधर आगे से बताया कोई मद्रास की तरफ, ये दक्षिण भारत में बताया कोई मैसूर वैसूर ऐसा कुछ बताया उन्होंने, या कोई ऐसा गांव बताया, नाम बताई जगह का, मुलाकात हो गई। मैं बोला आप क्या करते हो पंडित जी, जेब से कार्ड निकाला, ये देखो महाराज कार्ड में लिखा था कि व्यापार में मुनाफा, ग्रह शांति हवन और मन चाहा प्यार, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी थी। वो भाई ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, वो बता रहा हूं मैं। उसमें जो लिखा था किसी को वश में कैसे करना, वो भी मंत्र में आता है, और सब कुछ आता है महाराज। बस वो कहते हैं ना, वो क्रिकेट में कहते हैं ना ऑलराउंडर, हम सब जानते हैं। मैं बोला ठीक है भाई, हम किसी के घर में अशांति होती है तो शांति शांति कर देते, ऐसा हवन करते हमारा। मुझे ऐसे बात करते करते बोलो, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो। हाँ बोला भाग्यशाली तो मैं हूँ, महापुरुषों की शरण में आया हूँ, भाग्यशाली तो हूँ। तो आपको एक ऐसी ऐसी जो अंगूठी देते हैं कि फिर आप बहुत तरक्की करोगे। मैं बोला मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, अंगूठी की आवश्यकता नहीं मुझे। देखो मेरे गले में कुछ पहना हुआ है, हाथों में कुछ नहीं पहनते हम तो दरियाव जी महाराज पर विश्वास करते हैं। मैं हाँ हाँ करता गया, और पंडित जी आप सब जानते हो, हाँ बहुत कोई दुखी आदमी को सुखी कर देते। ऐसे करते करते मुलाकात हो गई, हमारी पक्के मित्र हो गए। एक रात बीती, दूसरी सुबह वैसे बात कर रहे थे, फिर ज्यादा मित्रता हो गई तो मन की बात कह दी उसने, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं क्या, तू कैसे दुखी यार, तू तो सबको सुखी करता है, क्या दुख है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ बैठा हूँ मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बच्चे मेरे साथ है दो जन, इनको पता है। तो बोला मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं क्या, आपके क्या दुख है पंडित जी, आपको दुख मेटते हो सबके, क्या दुख है यार, क्या बताऊं, क्या हुआ कि आज से एक 6 महीने पहले मेरी और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया और वो अपने पियर चली गई, ये दुख है, कोई उपाय है क्या आपके पास। मैं बोला मेरे से मेरे पास ऐसा उपाय नहीं है, झूठ नहीं बोलते हम, तो पोल पट्टी खुल गई एक दिन में। तो फिर मैं बोला तो क्यों ये पाखंड करता है यार, झूठा दुनिया को भ्रमित करता है, मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हस्तरेखा देकर कोई कुछ नहीं बता सकता, हस्तरेखा जितना भगवान ने श्वास दिया है उतना तो जीना पड़ेगा, क्यों बताना, बताओ आप। लिखी जो लक्ष्मी पाई है, सूत्र याद रखना भक्तों, लिखी जो लक्ष्मी पाई है, अर्पी जो आयु होई, रज्जब ग्रह वैराग में घटत बढ़त नहीं होई। जितनी भाग्य में लक्ष्मी लिखी है वो आपको मिलेगी, और भगवान ने जितने श्वास डाले हैं उतने आपको लेने पड़ेंगे, इसमें कोई घटत बढ़त नहीं कर सकता। कोई दुनिया में हो तो लाओ उनको मेरे साथ, ये कर सकता है। तो फिर क्यों भटकना भाई दुनिया में, क्यों अंधविश्वास में धक्के खा रहे हो, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। हमें बस सच्चाई के रास्ते पे चलना है, अच्छे कर्म करना, यही ध्यान रखना, और अच्छाई और सच्चाई के मार्ग चलते कोई दुख आए सुख आए तो आ जाता है, क्या है उसमें। हाथ बताते हैं, देखो हाथ, देखो महाराज मारो हाथ, देखो कहीं देखा हाथ, क्या लिखा हाथ। एक वो भाई था जो किसी मेरे पास आया था, महाराज मैं तो बहुत टेंशन हो गया, मैं क्यों कि मैं कल गया था किसी हस्तरेखा दिखाने गया था, फिर क्या हुआ कि उसने बोल दिया कि 32 साल की उम्र में तुझे हार्ट अटैक आएगा। अब मुझे चिंता हो रही है, 32 साल का हो गया, 2 साल बाद 32 साल का होने वाला हूँ, अब क्या करूँ, मेरे हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोला पहले तो नहीं आता, पर अब तूने हाथ बता दिया आएगा हार्ट अटैक, चिंता से ही तो हार्ट अटैक आता, अब ये चिंता उसके अंदर घर कर गई। बताओ उस भरम रूपी भूत को कौन निकाले बाहर, ऐसे पाखंड परपचों में हमें नहीं पढ़ना भाई, हमें परमात्मा की भक्ति करनी और सब कर्म करने। अरे मिल जाएगा तो भी एक दिन बिछुड़ने वाला, इसलिए क्या बोलते हैं बाजन जी, मुझे और कुछ नहीं पूछना, ये बताओ कि पूछू रे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद उसी, ये बताओ परमात्मा कैसे मिले। चल दिए पंडित जी, पता ही नहीं उस मार्ग गए नहीं। तो सजनों विरही जनों की ये पुकार है, धन्य है उन भक्त आत्माओं को, उन पुण्य आत्माओं को जो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं।
जिनके दिल में जिनके आत्मा में खसक है कि ये जन्म सुधरे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त और परमात्मा की धाम में जाए, निसंदेह वो एक दिन उस मंजिल को प्राप्त करेगी भक्त आत्मा। मीरा विरह करती थी, रात दिन रोती थी, हे परमात्मा आप कब मिलोगे। अरे कद आओ ला सांवरिया मारे देश, उबी जो बाटड़ली। अरे कद आओ ला सांवरिया मारे देश, उबी जो बाटड़ली। बोलो राम जी महाराज की। अब हम कल सुन रहे थे कि भाई मीरांगद देवर विक्रमादित्य उस चित्तौड़ की गद्दी पे आसीन हुआ और वो मीरा को कष्ट देने लगा। अब साधु संत भी आने कम हो गए महलों में, कथा कीर्तन बंद करवा दिया, या कोई कथा कीर्तन नहीं होगा महल में, ये सब बंद करो। अब मीरा को सत्संग मिलनी बंद हो गई। वर्ष कई बीतने वाले थे, मीरा अपने गुरुदेव को याद करती है, गुरु महाराज आपके दर्शन किए कितने वर्ष हो गए, अब आप कब दर्शन दोगे और कब अपना अमूल्य ज्ञान मुझे सुनाओगे। ये दासी आपके लिए तड़प रही है, पर मैं तो अबड़ा हूं, आपके दर्शन को कैसे आऊं बताओ, अकेली हूं या कितने बंधनों में बंधी हुई हूं। और मीरा विरह करती थी गुरु महाराज के दर्शन। सजनों सच्चे शिष्य की भावना गुरु महाराज हजारों कोस दूर बैठे हैं वो समझ जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सदगुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्रा तीर, बिसरया बिसरे नहीं जो गुण योगी शरीर। महापुरुषों ने कहा है जैसे कोई मछली तड़पती है जल के बिना, मीन तड़पती जल बिना, सागर माहे समाए, जन दरिया ऐसी करी गुरु कृपा मोहे आए। वाह वाह, अब कृपा हुई गुरु महाराज की। भ्रमण करते करते रविदास जी महाराज पधार गए चित्तौड़ बधार गए। आप सबको पता है रविदास जी महाराज जाति से क्या थे, वैसे संत की कोई जाति नहीं होती, देखो ध्यान देकर सुनना मैं जो कह रहा हूं, साधु संत की कोई जाति नहीं होती है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम, श्री दरियाव जी महाराज ने फरमाया। पर ये दुनियादारी ने जो फीत लगा रखी है जाति की, इसलिए बताना पड़ रहा है। रविदास जी महाराज चमार थे, चमड़े का काम था। तो रविदास जी महाराज का पधारना हुआ, वहां रुक गए कहीं, भक्त आत्माएं पुण्य आत्माएं जो गरीब गुरबे लोग थे, जो भगत आत्माएं थी वो आने लगी। अब राजा के महल में तो कैसे जाएं बिना निमंत्रण, क्योंकि रविदास जी महाराज को पता था कि भी राजा लोग बिना निमंत्रण जाए अपमान कर दे, जाना ठीक नहीं है। उनको पता था कि मेरी मीरा यहीं रहती है, और सत्संग करते थे, भक्त आत्माएं इकट्ठी हो जाती थी उस समय, विशेष से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूरे ही राजस्थान, पश्चिमी भारत में राजाओं का शासन था, जातिवाद चरम सीमा पे था, नीची जातियों के लोगों को दबाया जा रहा था, गरीबों की कोई नहीं सुनता था। आप मानो नहीं मानो, उस समय हमारे पूर्वज कहते थे, सुनते हैं आज संतों से, कि राजा के जो राजा होते थे उनके महल के सामने अपने जैसे कोई लोग चप्पल पहन के नहीं गुजर सकते थे, हाथ में लेनी पड़ती थी चप्पल, नंगे पैर जाना पड़ता था, इतना राजाओं का कठोर शासन था, कोई बोल नहीं सकता था, राजा जो मर्जी होती वो करते, और गरीबों की दशा बहुत खराब थी, खेती किसान लोग करते थे, कर राजा ले लेते थे उनसे, वो काल बड़ा अलग था उस समय, जातिवाद चरम सीमा पे था। अब वो तो राजपूत परिवार, राठौड़ वो बड़ा घराना था, और रविदास जी महाराज के आने की खबर जब मीरा को मिली, अरे पधारे हैं, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा मीरा के, दौड़ गई मीरा सब कुछ काम धंधे छोड़ के और गुरु महाराज के दर्शन के लिए। गुरु महाराज के दर्शन किए, आंखों में अश्रु धारा बह रही है,
अपने आंखों के आंसू से गुरु महाराज के चरण धोए मीरा ने। आज सत्संग हुई, मीरा और रविदास जी महाराज की पुण्य आत्माएं बैठी थी, पर निंदक और नुगरे लोग सब जगह होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। दो तरह के लोग सब जगह मिलते हैं, अच्छे और बुरे, कहीं भी चले जाओ आप। अब जो बुरे लोग थे, जो नुगरे लोग थे, उन्होंने उस राजा के कान भर दिए, राणा जिसे मीरा राणा कहती है, वो मीरा का देवर जो गद्दी पे बैठा था उसके कान भर दिए। अरे ये अपनी राज मर्यादा के अनुकूल की बात है क्या? ये अपने राजा की रानी और गरीब चमार लोगों के पास, छोटी जाति के लोगों के पास जाकर बैठी थी। कितनी भ्रांति थी उन लोगों में। अरे हमारे महापुरुषों ने ये जाति का जो जहर घुला हुआ ना हिंदू धर्म में, इनको मिटाने का प्रयास किया। उस समय श्री दरियाव जी महाराज ने कहा कि राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग कर रही है उनके संग। जो भगवान की भक्ति करता है और जिसका चरित्र अच्छा है, वो किसी भी जाति का है तो पूजनीय है, आदरणीय है। और जिसका चरित्र खराब है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्मा हुआ तो वो ठीक नहीं है। बताओ आप, भक्त की कोई जात होती है? भक्त को किसी की जाति से नापते तोलते हम? नहीं नहीं, ये अपनी नीति सिखाती नहीं है। नुगरे लोगों ने शिकायत की। दूसरे दिन अब वो बात पूरे चित्तौड़ में फैल गई थी। अरे कुछ दिनों पहले तो मीरा के पति की मृत्यु हुई, ससुर जी की मृत्यु हुई, और मीरा को तो कोई लोक लाज की परवाह नहीं है, ये तो साधु संतों के पास जाके बैठ गई। क्योंकि पहले ऐसे होता था, आज भी होता गाँव में, कोई आदमी की मृत्यु हो जाती तो उनके परिवार की जो महिलाएं थी वो 5-5, 6-6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो शोक मानती थी। अरे अपनी राज मर्यादा के विपरीत थी। पता चला दूसरे दिन मीरा जो ऊपर महल में रहती थी, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आ गया राणा साहब, किधर जा रही है तू? तुझे हजार बार समझा दिया है, नगरी में बदनामी हो रही है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुझे क्या पता मीरा ये कौन सा घराना है, और तू राज घराने की मर्यादा के विपरीत चल रही है, निंदा कर रहे हैं लोग। पर सजनों, भक्त सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, वो निंदा से नहीं घबराते। आपको भी नहीं घबराना है, जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम गलत हैं और कोई निंदा करता है तो अपने में सुधार करो भाई। जब हम सच्चे हैं, बिल्कुल सत्य हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया हमारे विपरीत है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सच्चाई के साथ रहता है हमेशा। और अंत में जीत किसकी होती है? वो लिखा हुआ होता है चक्र पे, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। क्या बोलती है मीरा? हे राणा, मैं जो तुच्छ लोगों की निंदा से डरती नहीं, तो क्या बोली मीरा? सब गाना है, सब बोलो। बदनामी लागे माने मीठी रे मेवाड़ी राणा, बदनामी लागे माने मीठी रे मेवाड़ी राणा, बदनामी लागे मीठी रे मेवाड़ी राणा, बदनामी लागे। साकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु सतगुरु, किणवी दो थीरू रे कपूटी मेवाड़ी राणा, बदनामी लागे मीठी उदयपुर राणा, बदनामी लागे मीठी।
क्या बोलती है मीरा, बदनामी लागे मीठी। अरे इन भक्तों का चरित्र सुनते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने भक्ति की थी, बताओ आप। आज भी बड़े घराणों में, राजाओं के जो समाज में औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, कहीं बाहर नहीं निकलने देते, काम के लिए भी नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, औरत घर में ही रहे। फिर गुरु महाराज के दर्शन करने कौन जाने देता भाई, वो नास्तिक लोग क्या कर, क्या कहती मीरा। अरे महारा रे सतगुरु जी रे दर्शन जाता, महारा रे सतगुरु जी रे दर गुरजन लोगाने दी थी मेवाड़ी राणा, गुरजन मेवाड़ी राणा बदनामी लागे मीठी, उदयपुर राणा बदनामी लागे। अरे ले बलराम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सांकड़ी सहरिया में महाराज सदगुरु मिलिया। अरे आज कितने दिनों बाद गुरु महाराज मिले,
और मैं गुरु महाराज के दर्शन नहीं करने जाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता राणा, करने जाऊं हमारी बदनामी हो रही है, लोग निंदा कर रहे हैं, मेरा बोलती राणा निंदा से कौन डरे, ये दुनिया है भाई, इस संसार में हम तो आम आदमी है, या अवतारी पुरुष आए संसार में, चाहे बड़े बड़े महापुरुष आए, दुनिया के लोगों ने उनकी भी निंदा की, उनमें भी कमियां निकाली, अरे निंदा की उनमें कमियां निकाली, उनको मारने के प्रयास किए, और दुष्टों ने तो मार भी दिया, हमारे पलटू दाजी संत हुए थे, उनको नंगा जलालपुर नाम की नगरी में दुष्ट लोगों ने पकड़ के जिंदा जला दिया, ऐसे ही संसार में लोग हुए नास्तिक लोग, कितना भक्तों को कष्ट मिला भाई, पर भक्त निंदा से कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं, वो एक आता ना कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना, अरे जब उन महापुरुषों की लोगों ने निंदा की तो हम कौन है भाई, हम तो एक साधारण प्राणी है, हमारे विरोधी हो जाते हैं, कोई हमारी भी निंदा करता है, हम इतने लोग बैठे हैं सबकी निंदा तो कोई ना कोई करता है, कोई सामने नहीं करता, पीठ पीछे तो कोई बुरे ही करते ही है, तो निंदा हुई है महापुरुषों की, पर निंदा से विचलित नहीं हुए महात्मा, अक्सर लोग अपनी निंदा सुन के विचलित हो जाते हैं, पर विचलित नहीं होना चाहिए, दुनियादारी है ये, दुनिया कहती रहती है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, अरे किसी के अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं होते हैं, और किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं होते, हम तो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, अगले का भाव कोई हमें अच्छा ही देख रहा है, कोई हमें बुरा ही देख रहा है, अलग अलग दृष्टि है, कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि और वैसे ही सृष्टि, अलग अलग नजरिया लोगों को देखने का, अलग अलग भावना है, जैसे दुर्योधन का, दुर्योधन को उनके गुरुजी ने बोला कि तू नगरी में जाके ये लिखे ला कि इस नगरी में अच्छे लोग कितने हैं, और युधिष्ठिर को बोला कि तू ये लिखे लेके आके इस नगरी में बुरे लोग कितने हैं, वापिस आए दुर्योधन को बोला कि इस नगरी में बुरे कितने हैं, अच्छे कितने हैं, अच्छे लोग कितने हैं, दुर्योधन को बोला, अब दुर्योधन तो वो इन दृष्टि का मानव था, वो सब में अवगुणी देखता था, वो बोला इस नगरी में अच्छा कोई नहीं है, मैं ही अच्छा हूँ, अरे ये तू कहाँ से अच्छा हो गया, पूरे सब बुरे हैं, तू अच्छा है, तो कोई बात नहीं, युधिष्ठिर जी आए उसी नगरी में घूम के आए, युधिष्ठिर जी बोले इस नगरी में सबसे बुरा मैं हूं, सब अच्छे ही अच्छे, अब भाई वो अपने देखने के तो फर्क, हम अच्छा कार्य करें, अच्छा जीवन जिए, भगवान की भक्ति करें, किसी का बुरा ना करें, इतना करते हुए भी हमारी कोई निंदा आलोचना करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो निंदक वो तो हमारा मित्र है, हमारे दादू जी ने कहा कि निंदक बाबा मित्र हमारा, बिन ही कोड़ी बह बिचारा, बिना पैसे दिए वो मजदूरी कर रहा है हमारी, क्या कर रहा है वो, क्या अपने मेल को साफ कर रहा है, अपने पापों को धो रहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना वो निर्मल करे स्वभाव, कबीर साहब एक नगरी में ठहरे थे कुछ दिन के लिए, तो एक आदमी आया और बोला कि महाराज के हाँ कि नगरी के बाकी लोग तो प्रशंसा करते हैं, एक व्यक्ति है जो आपकी निंदा करता है, जगत की बातों का कितना मैं तो ये ध्यान दे सुनाओ, एक आदमी आपकी निंदा करता है, साहिब बोले कि भाई कल उस आदमी को मेरे पास लाना, वो बोला कि तुझे सदगुरु कबीर साहब बुला रहे हैं, अरे मैं तो उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो बुरा है, अरे तू कभी उनसे मिला ही नहीं बोल रहा बुरा है, तू मिल तो सही एक बार उनको देख उनके पास जा, वो आया तू कहता तो चलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दुनिया के टुकड़े मांगता है रोटियां खाता है मेहनत करता नहीं ऐसी ऐसी बातें बोलता है, एक ऐसा साधु बाबा, वो आया कबीर साहब ने अपनी जेब से एक सोने की मोहर निकाल के दे दी, ये ले भाई, उसका तो हाव भाव ही बदल गया, ये कैसा आदमी है,
तो सोने की मोर दे रहा है, मैं इसकी निंदा कर रहा हूं। बोला हमेशा अजानार एक मोर लेके जाना मेरे से। पास वाला भी अक्का बक्का रह गया कि ये बाबा ऐसे किसी तरह जो निंदा कर रहा है उसे मोर दे रहा है सोने को। दूसरे दिन वापिस आता है, वो सुबह एक मोर देता है, दो चार दिन मोरे दी तो वो निंदा तो करनी छोड़ दी, कबीर साहब की महिमा करनी शुरू कर दी। अरे इन संतों जैसे तो कोई संत ही नहीं। दुनिया के अनुकूल हो तब तो दुनिया महिमा करती है, और दुनिया के प्रतिकूल हो तो दुनियादारी निंदा करने लग जाती है। चार दिन हो गए, वो आदमी बोला कि महाराज उसने तो आपकी निंदा करनी बंद कर दी। महाराज बोले कोई बात नहीं। अगले दिन वो आया, महाराज बोले अब तुझे मोरे नहीं दूंगा। क्यों? अरे इतने दिन तो तू मेरी निंदा करता था और मेरे पाप धोता था, अब तूने मेरी निंदा बंद कर दी, मेरे पाप धोने बंद कर दिए, अब तुझे कौन मोरे दे भाई? तू निंदा करने शुरू कर दे, तुझे मोर दे सकता हूं। देखो सजनो, निंदा से कभी घबराना नहीं। सच्चाई के मार्ग पे जो चलता है अड़चन जरूर आती है, दुख आता है, पर सजनो अंत में उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। आज मीरा को याद करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती तो उनको कौन याद करते, सबके जीवन में आती है। सुख आता दुख आता हमें घबराना नहीं। भक्त आत्माएं होती है, भक्ति करती हैं, सच्चे मार्ग पे चलती है, उनके जीवन में भी दुख आता है। मीरा के जीवन में दुख आया, जैसे हमारे बिरही में संत हुए थे श्री सुखराम जी महाराज, उन्होंने परमात्मा से एक दिन प्रार्थना की है, परमात्मा ये आपके देश में क्या हो रहा है, ये आपके लोक में क्या हो रहा है, या नुगरे लोग तो राज करते हैं, झूठों को आदर मिलता है, और भगवान के भक्तों की ऐसी स्थिति है कि वो रात दिन दुख में जूझ रहे हैं, उनके पास नहीं पहनने को कपड़े हैं, नहीं रहने के लिए अच्छा मकान है, नहीं उनको कोई पूछता है, उनके जीवन में तो दुख है। तो भगवान ने आकाशवाणी की, मेरा भक्त तो दुखी ही भला, भक्ति कमावे अमर लोक ले जाओ, सुर जुग जुग सुख पावे, उनको मैं अमर लोक ले जाऊंगा, वो वहां युगों युगों तक सुख सुविधा आराम से रहे। तो सजनों, मीरा कहती है मुझे निंदा का डर नहीं लगता। अब राणा को ये बात सहन नहीं हुई, निकाली कटार और चला मीरा को मारने का, आज तो तेरी जो गर्दन है ये दड़ से अलग कर दूं। राणा दौड़ा तो ऐसा विचित्र दृश्य दिखा राणा को कि महल महलों में मीरा ही मीरा नजर आ रही है, वहां हजारों मीरा बन गई, अब किसको मारे और किसको छोड़े बताओ। राणा कब कारे गया, मीरा बोली कि राणा मेरे ऊपर, मेरे दिल के ऊपर जो भक्ति का रंग चढ़ा है वो मजीठ के रंग के जैसा, मजीठ का एक रंग होता है, बाकी रंग तो उतर जाते हैं जैसे कपड़ों के बाकी रंग होते हैं, वो धीरे धीरे धोने से वो रंग उतर जाता है, पर मजीठ के रंग से जो कपड़ा रंगा हुआ होता है उस कपड़े को जितना धोते हैं उतना ही वो रंग ज्यादा दिखता है, इतना ही वो सुरंगा होता है। मेरे ऊपर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा है, अब तेरा वश नहीं चलने वाला रे राणा, मैं तो मेरे गुरु जी के पास जाऊंगी। मीरा चल पड़ी, गुरु महाराज के दर्शन किए। कुछ दिन मीरा के गुरु जी रविदास जी महाराज ठहरे, फिर आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। अब क्या हुआ, अब तो राणा इतना क्रोधित हो गया कि उसने मेवाड़, हमारे मारवाड़ है उस क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, नागौर ये जोधपुर जिला ये मारवाड़ में आता है राजस्थान में, और चित्तौड़ ये इधर मेवाड़ कहते हैं इसे, मेवाड़ की सरहद में कोई भी साधु प्रवेश नहीं होगा आज के बाद, राणा ने ऐलान कर दिया। नास्तिक व्यक्ति था वह, कोई भी मेवाड़ की सरहद में नहीं आएगा कोई साधु संत। देखते हैं मीरा किन के दर्शन करती है। तो मीरा क्या बोलती है राणा को, अरे नहीं नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, रे नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो। हे राणा, तुझे तो मेवाड़ पे गर्व होगा, तुझे तो इन मेलों पे दल बल फौजों का गर्व गुमान है, पर मुझे ये तेरा मेवाड़ अच्छा नहीं लगता। मीरा बोलती है क्यों, थारे रे देसा मेराणा
संत नहीं है। थारे रे देसा मेराणा संत नहीं है। लोग बसे सब कूड़ो, लोग बसे सब कूड़ो रे, नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रूड़ो, नहीं भावे रे थारो देसड़लो रंग रूड़ो। तेरा देश क्यों अच्छा नहीं लगता है कि तेरे देश में कोई संत नहीं है। क्या बोलती है मीरा? गेहना रे गांठा राणा कब का ही छोड़िया, गेहना रे गांठा राणा कब का ही छोड़िया, छोड़ियो रे हाथां वालो चूड़ो, छोड़ियो रे हाथां वालो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रूड़ो। हे राणा नहीं भावे थारो देसड़लो रंग रूड़ो, ये तेरा देश अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तेरे देश में संत नहीं है, मुझे ये देश अच्छा नहीं लगता है। फिर मीरा रोने लगती है, अब मुझे संतों के दर्शन कब होंगे, और गुरु महाराज से प्रार्थना करती है। वो प्रार्थना में गाते हैं, अरे महाने परदेसा क्यों छोड़िया हमारा सतगुरु, ले चालो निज देश। गाइए, महाने परदेसा क्यों छोड़िया हमारा सतगुरु, ले चालो निज देश। ए गुरु महाराज अपने देश में ले जाओ, इस देश में कहाँ छोड़ा है इन लोगों के बीच, इन नास्तिक जीवों के बीच। यहाँ नहीं मारो देश रंगीला, यहाँ नहीं मारो देश रंगीला, या नहीं मारो देश, महाने परदेसा क्यों छोड़िया हमारा सतगुरु, ले चालो निज देश। वो परमात्मा का देश कौन सा? मीरा कौन से देश की बात कर रही है? अमरलोक की बात कर रही है, इस मृत्यु लोक की बात नहीं कर रही। उस अमरलोक में ले चलो जीवात्मा को। अरे इस देश में तो सुख दुख है, जिस देश में हम रहते हैं ना, ये तो दुखालय है। भगवान कृष्ण ने इसे दुखालय बताया, यहाँ के लोग सुख दुखी है। सुख कहाँ है बताओ? सुख सपने में भी नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है इस देश में, क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु है, मृत्यु का भारी दुख है। यहाँ माता पिता के सामने पुत्र चला जाता है, उस घर में कितना दुखों का पाठ टूट जाता है भाई बताओ। अरे यहाँ सुखी आदमी कब दुखी हो सकता है कोई पता नहीं। जिस घर में से नहीं बजती है, ढोल बजते हैं, वहां काल अपना ऐसा वार करता है, एक पल में दुखी कर देता है। इस देश में हमें क्यों रख रहे हो, अपने देश में ले जाओ। देखते हैं, पिछले साल हमारे राजस्थान में शेरगढ़ गांव के पास, एक घुंगरा गांव है शेरगढ़ क्षेत्र के पास, मैं घटना बताता हूं आपको। जिस देश में, जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। भगवान की भक्ति के बिना यहाँ पल पल काल हमारे ऊपर आंख टिकाए हुए हैं, और कब वो घात कर दे कोई पता नहीं है। वहां क्या शादी की तैयारियां हो रही थी। अब आपको पता है कि भाई शादी की जिस घर में तैयारियां होती है, उस घर में कितना खुशी का माहौल रहता है। ढोल बज रहे थे, सेनाया बज रही थी, अचानक हुआ काल का वार। शादी के दिन गैस सिलेंडर फटे, चार गैस सिलेंडर, 32 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई थी। बताओ इस देश में कहां सुख है रे भाई, यहाँ तो दुखी दुख है। यहाँ किसान मेहनत करता है,
बीज बोता है खेत में, बोलता है कि मेरे फसल होगी, पूरे वर्ष मेहनत करता है, बारिश हो जाती है पूरी फसल चौपट हो जाती है, रोता रहता है, या बीमारी हो जाती है एकदम से ठीक शरीर में, ये दुख आ गया, बताओ ये तो दुखाले है। जो जीव सदगुरु की शरण में चला जाता है और भगवान की भक्ति करता है, उसका काल कुछ भी नहीं कर सकता है, बताओ। जीते जी परमात्मा रक्षा करता है, फिर उस देश में ले जाता है जिस देश की मीरा बात कर रही है। जगमग जगमग उजास अनुपम, जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहां नहीं चंद दिनेश निज महला सेवा बख्शावो, निज महला सेवा बख्शावो, जहां नहीं दुख लव लेस मारा सतगुरु ले चालो निज देश मारा, सतगुरु जी ले चालो निज देश। वो देश कैसा है, उस देश में दरिया जी महाराज ने कहा चांद बिना है चांदना और वहां है दरिया का वास, बिन बाती दीपक जड़े बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जहां चांदना जन दरिया का वास, वो देश अद्भुत है। तो क्या कहते हैं भक्त, तड़प तड़प के मैं दुख पाऊं, यहां नहीं कोई हितेश था को ही मने बड़ोरे आसरो, था को ही मने बड़ो रे आसरो, काटो जी कर्म कलेश मारा सतगुरु ले चालो निज देश। बोलो राम जी महाराज की। हे गुरु महाराज, उस देश में हमें ले चलो जिस देश में अनंत महापुरुष विराजते हैं, उस शून्य सता में दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुष, मीराबाई जैसे अद्भुत पुरुष रहते हैं। गुरु महाराज से ये मीरा प्रार्थना करती है, गुरु महाराज ले चलो उस देश में। अरे चालो नी भूरा जीरा देश में मारी ली, बोलो चालो नी भूरा जीरा देश में, चरण कमल चित धार ली, चरण कमल चित धार। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे मीरा मीरे करती है रात दिन, मीरा की बात को नहीं समझ पाता है राणा, और वो रात दिन एक ही चिंतन करता है कि इस मीरा को मार दिया जाए। तो क्या हुआ था, एक ठाकुर जी का मंदिर था, ध्यान दे के सुनना सुना, उस ठाकुर जी के शिव जी के मंदिर में पुजारी था एक, और ठाकुर जी की मूर्ति एक तरफ रखी हुई थी। उस मंदिर में जो एक दयाराम नाम का पंडित रहता था, राणा ने उसे बुलाया अपने पास। अरे दयाराम, हाँ बोलो राणा, एक काम करो कि हाँ कि एक कोई वैद्य से जेर बनवाओ और जेर मिला के जाओ मीरा के पास, बोलो भगवान के चरणों का चरणामृत है और भगवान ने मुझे आज्ञा की है, मीरा को बोलो कि चरणामृत पी लो। अब उसका नाम तो दयाराम था पर उसमें दया 1% भी नहीं थी, दया कहाँ थी, वो जेर देने के लिए तैयार हो गया। भाई यथा नाम तथा गुण, सब में नहीं होते, नाम कुछ अलग, नाम क्या है, बाप जी बोलते हैं नाम सुखदेव, और देवता दुख है तो सुखदेव थोड़ी है,
चाहे कोई भी हो, मैं क्यों किसी की बोलो भाई, नाम के अनुसार गुण सब में नहीं होते। नाम कहीं है, मारवाड़ी में राजस्थानी में क्या के पुरानी जो डोकरियां होती थी उनके नाम होते थे, बोले इस डोकरी का नाम है शिंगारी, श्री शिंगारी यानी श्रृंगार करती है श्रृंगारी, और पैर ने कोई गले में कोई डोरा ही नहीं, वो कहां श्रृंगारी हुई बताओ। यथा नाम तथा गुण सब जगह नहीं मिलते हैं भाई। नाम दयाराम था पर दया कहां थी, वो तो मीरा के लिए जहर वैद्य को बोल दिया कि जहर बनाओ, वैद्य ने भी सोचा नहीं जहर बना दिया और गया मीरा के पास लेके कि भगवान का चरणामृत है ये पी लो आप। मीरा तो ज्ञानी थी, मीरा को पता था कि ये पानी कोई चरणामृत थोड़ी है, मीरा तो राम नाम को अमृत मानती थी, पर बोल दिया अरे भगवान का नाम ले लिया तो पी ले। मीरा ने उस जेर के प्याला को राम राम करते हुए पी लिया। हुआ क्या, वो देखता है कि कब इसे जेर चढ़े, जेर इतना खतरनाक था, एक बूंद यदि हाथी को दे दी जाए तो वो भी मर जाता, पर मीरा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मीरा का तो रूप अधिक सुंदर होने लगा, अधिक मीरा के चेहरे पे नूर बरसने लगा और वे जेर उस दयाराम पंडित को चढ़ गया। पिया किसने, पिया तो मीरा ने, चढ़ गया उसे। ये कैसे हुआ, ये तो कोई भगवान की कुदरत है भाई। होता है जो दुख, कहते हैं ना कि छह शास्त्र 18 पुराण में बातें कही है दो ही, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख। हम यदि दूसरे का बुरा चाहेंगे तो किसका बुरा होगा, अपना ही बुरा। वो बीज अपनी भूमि में ही पड़ता है, हृदय की भूमि में, और फिर उगता ही अपने हृदय की भूमि है, और उसकी फसल भी हमें काटनी पड़ती है। ये सूत्र पक्का सूत्र, दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए मन वच कर्म से किसी को दुख मत दो। उस दयाराम के जेर चढ़ गया, जाग आने लगे मुंह में, दौड़ा दौड़ा गया राणा जी के पास। राणा जी का, हाँ राणा बोलते हैं मीरा मर गई, कि मीरा तो नहीं मरी, मैं मर जाऊंगा, कोई उपाय बताओ। हाथ ऊपर कर दिया राणा ने, मेरे के पास कोई उपाय नहीं है भाई। अब दयाराम को पता चल गया कि इस राणे के भरोसे तो मरना पड़ेगा, वापिस चले जाओ उस मीरा की शरण में। मीरा कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भक्ति स्वरूपा परमात्मा की भक्ति रूप में उसने उतार लिया। गई और पकड़ लिए चरण मीरा के, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दे। देखो संत का हृदय कितना कोमल होता है, संत हृदय नवनीत क्षमाना। दया आ गई मीरा को, मीरा बोली कोई बात नहीं। मीरा ने मस्तक पे हाथ रखा और उसका जहर उतर गया। अरे इतनी दया, इतना हृदय विशाल तो कोई आप जैसे भक्तों का ही हो सकता है, कोई संतों का ही हो सकता है, अरे का नहीं होता है। अभी सोचो अपने को जहर दे दे तो फिर वो अजाए कि मेरे जहर चढ़ गया है तो हम उसे माफ करते हैं क्या, नहीं करते। दुनियादारी नहीं करती, आप भक्त लोग कर सकते हैं। मीरा ने कर दिया माफ। अरे सजनों खमिया बड़न को होते हैं औछन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो बरगु मारी लात। क्या हो जाता है, अरे हम तो ऐसे बंधे हुए संसार में कि हमें कोई एक दफे गाली निकाल दे तो हम पूरे जीवन भर भूलते नहीं है कि मुझे याद है उस दिन तूने क्या कहा। इन बातों को छोड़ो, कई घरों में देखते हैं घर परिवारों में 20-20 साल से लोग आपस में नहीं बोलते, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, पूरे जीवन भर वो झगड़ा चलता ही रहता। अरे क्या हो गया, किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, 100 बार कोई बोल दे तो क्या फर्क पड़े भाई। ये भक्त का हृदय होता है, पर हम जिन बातों को हमें भूलना है उनको तो हम याद रखते हैं, और जिन बातों को याद रखना है उनको हम याद रखते ही नहीं। अब किसी ने गाली निकाल दी 10 साल पहले, वो तो हमें याद है, और दिन में बस्ती राम जी भाभी ने क्या कहा वो हम भूल गए हैं। बताओ आप, ये तो याद रखने वाले चीज को याद रखो भाई। मीरा ने कहा कोई बात, हो गया सो हो गया। राणा ने बोला कि जरूर कोई गलती हुई है, जहर देती तो ये मर जाती। बोला तू बता जहर किसने बनाया, कि उस वैद्य ने बताया। देखो उसका भी नंबर लग गया भाई,
बुरा करने वालों का परिणाम हाथों ही मिल जाता है। वैद्य को बुलाओ, अब इसको जहर पिलाओ। ये मेरे सामने तो मैं मानू सही जहर बनाया है। खोटे काम में कोई सहयोग करता है ना बुरे काम में, उनको भी प्रकृति बख्शती नहीं है भाई। वो भी रोने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोएंगे मेरे बिना। ये आवाज सुनाई दी मीरा को, आई मीरा राणा के पास। अरे इनको क्यों सताता तू, मैं पीलू तेरे सामने, बना दे तू जहर मेरे। तू मारने वाला कौन है रे राणा, जिनको राके साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका नहीं कर सके चाहे सब जग बेरी हो। जिसको राम जी रखता है उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसको राम जी मारना चाहता है उसे कौन बचा सकता है बताओ। अब राणा थक के बैठ गया कि इस मीरा का तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर सजनों, जब ये षड्यंत्र मीरा ने देखे, जब ये दुनियादारी के ऐसे गंदे भावों को मीरा ने देखा, अब तो मीरा का मन बिल्कुल उछाटे खा गया इस संसार से। मीरा ने अंजल छोड़ दिया, रात दिन परमात्मा की याद में रहती। एक रात्रि मीरा भजन कर रही थी और पपैया नाम का पक्षी बोलता है मंदिर पे, प्यू प्यू की आवाज लगाता है। और वो तो वृणी थी, परमात्मा को याद कर रही थी, पपैया ने बोला प्यू प्यू। बोलने लगी मीरा एक तारा लेके पद, और उस पपैया को क्या कहती है, सब सुनो भाई। पपैया पिया जी दी वाणी मती बोलो, सब गाइए। पिया जी दी वाणी मती बोल रे, पिया जी दी वाणी मती बोल रे। पपैया अरे चोच कटौरे पपैया थारी, अरे मैं ऊपर झारू रे लून, पपैया थारी। समझ में आ रहा तो सब बोलो, मुंह बंद करके क्यों बैठे हो। चोंच कटौं रे पपैया थारी, ऊपर झारू रे लून, हो जो कोई वृणी सांभळे रे, जो कोई वृणी सांभळे, देसी थारी चोंच मारोड़ रे पपैया, देसी थारी चोंच मारोड़ रे पपैया, पिया जी दी वाणी मती बोले।
तेरी चोंच काट दूं मैं। अरे पियू जी मेरे हैं, मैं पिया जी क्यों, तू बीच में पियू पियू करने वाला कौन है भाई। और फिर अगले शब्दों में मीरा क्या बोलती है, अरे थारा सबद सुहावना रे, तेरी आवाज बड़ी मीठी भाई पपैया। अरे पिया मिलेगा आज, पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई बाहर विदेश कमाने जाता तो फोन तो थे नहीं उस समय, तो क्या करते थे, पत्र लिखते थे। तो मैं हे पपैया, मैं भी अपने पियू अपने पति को पत्र लिख रही हूँ और ये संदेशा मेरे परमात्मा तक पहुंचा दो, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, वो मेरी सुध ले ही नहीं रहे। अरे पिव जी ने पतिया ली तूरे, अरे तू तू पंची ले जाए, अरे जाए पिया ने यूं कही जे रे, जाए पिया ने यूं कही जे रे, अरे थारी मीरा धान नहीं खाई हो पपैया, प्रेणी धान नहीं खाई रे पपैया, पिया जीरी व्याकुल भई रे, पिव पिव करत पुकार, बेगा मिलो हरा अंतरयामी, बेगा मिलो रे महारा अंतरयामी, तुम बिना रे यो पपैया, तुम बिना रे यो नहीं जाए रे पपैया, पिया जी री वाणी मति बो। बोलो राम जी महाराज की। भक्त भगवान के प्रेम भाव में उस मूक जो बोल नहीं सकता उस पक्षी से मीरा बातें करने लगे, रे पपैया तू पीव पीव की वाणी क्यों बोल रहा है, पीव जी तो मेरे हैं, मैं पीव जी क्यों, तुम बीच में मेरे पीव का नाम लेने वाला कौन है बता। और क्रोध नहीं, वो तो मन के भाव है भाई भगवान के प्रति। फिर बोलती है, अरे तेरी जो आवाज है वो बहुत मीठी है, थारा शब्द सुहावना, पिया मिलेगा आज,
चोंच कटाऊं, चोंच मंडाऊं थारी सोने की, राखुली मेरे सिर का ताज। और तेरी वाणी मिटी है, तेरी वाणी से यदि परमात्मा आ गए तो तेरी ये चोंच है, मैं पूरी सोने की मंडा दूंगी। वाह वाह, पिवजी ने पतिया लिखो और तू पंछीड़ा ले जाई, जाय महारा पिया जी ने यूं कही जे थारी व्रणी दान नहीं खाए, दान यानी तुम्हारी व्रणी अन्नी खा रही है, वो भूखी है, प्यासी है, वो रो रही है रात दिन आपके दर्शन के लिए। पक्षियों से बातें करने लगी। हमारे एक संत हुए थे शेख फरीद जी, सुना है उनका नाम, शेख फरीद संत हुए थे, भगवान के परम भक्त मुस्लिम हुए थे, बहुत वर्षों तक भक्ति की। बचपन में उनकी माँ का नाम था भक्तू, क्या नाम था, भक्तू। वो माँ बड़ी भगवान की भक्त थी, तो माँ के कहने से माँ ने जब ज्ञान दिया कि परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, उन्होंने बहुत वर्षों तक भजन किया, परमात्मा नहीं मिले तो देखो उन्होंने इतनी कठोर साधना की। एक कुएं के ऊपर वो बैठे रहते थे, कुआ था, कुएं के पास चाट थी बड़ी जो शिला थी उस पर बैठे रहते थे, और भगवान का भजन करते करते वो खाने पीने की सुध भूल गए। रंगकार दुनी होद में गर्ग भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। भूख नींद प्यास नहीं लगती थी। अब आपको पता है भाई भोजन नहीं दे तो शरीर की क्या स्थिति होती है, सूख गए वो एकदम, केवल हड्डियां दिख रही थी, चमड़ी सूख गई और ऐसे दिखने लगे कि जैसे कोई मृत कंकाल हो। तो एक कौवा आया, कागा कौवा, कौवा आया और वो कौवा सोचा कि ये कोई मृत कंकाल पड़ा है, क्योंकि शरीर में तो चमड़ी दिख ही नहीं रही थी, केवल हड्डियां बची थी, मृत कंकाल की तरह हो गया शरीर, इतना दुर्बल, इतना कमजोर हो गया परमात्मा के लिए ब्रेक करते करते। वो आके चोंच मारने लगा और उस मांस को खाने लगा, सूख गया था शरीर तो पूरा, आंख खुली देखा कि कोई पक्षी शरीर पे चोंच मार रहा है। तो क्या बोलते हैं फरीद जी महाराज, अरे कुएं पर सेक बजाओ, ओ कुएं पर सेक, फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, सब गाइए, ओ कुएं पर सेक, फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, अरे चुन चुन के खा जा काला काग मेरे हाड़ों पर ला मांसा, चुन चुन के खा जा काला काग मेरे हाड़ों पर ला मांसा, चुन चुन के खा जा काला काग मेरे हाड़ों पर ला मांसा, मेरे शरीर का मांस खा जा, पर एक चीज का ध्यान रखना, दोई नेत्र मत ना फोड़ जे, हो दोई नेत्र मत ना फोड़ जे, माने राम मिलन री आसा, वो माने राम मिलन री आसा, लिगनी राम मारग अरे ले करी तपस्या, जोर की अब हुया आसरे हरि के, अरे भक्ति राम मारग और है लगी चोट काल से घर के, वो भक्ति राम वो भक्ति राम मारग और है लगी चोट काल से घर के, वो लिखनी राम मारग और है लगी चोट काल से घर के। बोलो राम जी महाराज की। काई भाई काई विचार है, बोलो राम जी महाराज की। आनंद ले रहे हैं पूरा। तो बड़ी जो सुंदर वाणी को फरीद जी क्या बोलते हैं, उस जो कौवा था जो चोंच मारा था उस चमड़ी पे, बोले कुएं पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा,
चुन चुन के खाजिया काला काग मेरे हाड़ ऊपरला मासा दोई नेत्र मतना फोड़ जे माने राम मिलन की आशा। सारा शरीर का मांस खा जाना पर ये दो नेत्र मत फोड़ना क्योंकि मुझे एक बार इन नेत्रों से परमात्मा के दर्शन करना। धन्य है ऐसे विरही जनों को। ये होता है भक्ति का लक्षण, ये होता है लिग्नि का मार्ग। कोई बिरले ही चल पाते हैं भाई, बताओ आप। लाखों में कोई ऐसा हंस होता है जिसके दिल में परमात्मा प्राप्ति का भाव उठता है और कोई बिरले पहुंच पाते हैं। उस मंजिल तक पहुंचना कोई ऐसी खेल थोड़ी है। धन्य है मीरा ने आज जीवन भर अंतिम श्वास तक परमात्मा को नहीं छोड़ा। अरे थोड़ा दुख आ जाता है विचलित हो जाता है, थोड़ा कष्ट आ जाता है, कोई राम जी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं तो भगवान को मानते ही नहीं। लोग कहते लोग तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होगा भाई। धन्य है ऐसे भक्तों को। मीरा दिन दिन विरह में कमजोर होती जा रही थी, कंकाल की तरह हो गई मीरा। राणा को दया आ गई क्योंकि फिर वो बोली है तो मरने वाली है। वैसे भी एक वैद्य को बुलाया, देखो इसे क्या बीमारी लगी है। वो नाड़ी वैद्य था, नाड़ी देख के बीमारी बताता। वो आया तो मीरा कहती है तुम गर जाओ वेद मोहे रोग भारी रे, रोग रो काटनियो मारो सांवरो गिरधारी रे, रोग रो काटनियो मारो सांवरो गिरधारी रे। अरे नाड़ी ने टन टोले काही दर्द है कले जा माही, नाड़ी वेद जाने नाही मूर्ख अनाड़ी रे। नाड़ी को क्या टंटोलता, दर्द तो मेरे कलेजे में। वो कोई दवाई पिलाता मीरा को। अरे घस घस बूटी पावे लागे खारी खारी रे, अरे राम रस मीठो लागे और बाता न्यारी, राम रस मीठो लागे और बाता न्यारी रे। अरे काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुट धारी रे, काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुट धारी रे, भूरी भूरी जटा वालो मामे बुरकी डाली। बोली भक्त शिरोमणि मीरा भाई जी महाराज की। धन्य है मीरा भाई को। अब क्या सुनाए मीरा भाई के बारे में भाई। महिमा तो बहुत ज्यादा है और मुख अपना है छोटा। बहुत मीरा ने भक्ति की और फिर जब मीरा को पता चला अब ये पंच भौतिक चोला छोड़ के परमात्मा के धाम में जाना है, निकल गए सबसे राम राम करते। सबको बोला, नंद को, मीरा की जो राणा था, उन सब मेल में जो भी लोग मीरा का विरोध करते थे उनके पास गई मीरा। और देखो एक संत का कितना अच्छा स्वभाव होता है। मुझे माफ करना, मेरे से भूल हुई, मेरे कारण आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, मुझे माफ कर देना। अब मैं जा रही हूँ चित्तौड़ के मेलों को छोड़ के। किधर जाऊंगी? मैं द्वारिका जाऊंगी, भगवान का दर्शन करके आऊंगी। सब लोग उदास हो गए। अरे मीरा जा रही है, अकेले मत जाओ, पांच सात लोगों को, पंडितों को साथ दे जा, रथ के साथ चले जाओ। मीरा बोली नहीं नहीं, मैं तो अकेली जाऊंगी। राणा ने जबरन साथ भेज दिया। गई मीरा द्वारिका में, जहां भी द्वारिका की पावन भूमि में प्रवेश होके संतों भक्तों भगवान के दर्शन किए। फिर जो कहते हैं ऐसा हम संतों के मुखारविंद से सुनते हैं, जो द्वारकाधीश भगवान का जो वहाँ रूप है, वो मूर्ति है, वो मुख्य जो मंदिर है उसमें प्रवेश होने लगी और पंडितों को बारी बैठा दिया कि मैं आ रही हूँ। पर फिर तो वो नहीं आई। कहते हैं कि से शरीर वो विलीन हो गई परमात्मा में, उस मूर्ति में, और वो आत्म तत्व तो परमात्मा में चला गया। भाई बातें रह गई पीछे, जस रह गया पीछे, कीर्ति रह गई पीछे, पंडित लोग की तेरी मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई।
चली गई मीरा उस परमात्मा के धाम में, जिस धाम में जाने के बाद वापिस कभी भी मानव माँ के गर्भ में ऊंधे मुंह नहीं लटकता, फिर गर्भवास का दुख नहीं सहन करना पड़ता है, फिर ये संसार के मान अपमान सुख दुख हानि लाभ कुछ नहीं है। वो तो देश ही दीवाना है, उस दीवाने देश में मीरा चली गई। पंडित आए, खबर की मेड़ता में, खबर की चित्तौड़ में, अरे मीरा तो वापिस आई। अब पछताते हैं, अब रोते हैं, अरे अरे वो इतनी बड़ी भक्ति हम तो समझ नहीं पाए। फिर मंदिर बनाया, जीते जी महापुरुषों का आदर दुनिया ने नहीं किया, उनका विरोध किया था। अच्छे महापुरुषों को पहचानने वाले कोई बिरले ही होते हैं भाई। जब तक से शरीर महापुरुष इस संसार में रहते हैं तब तो कोई बिरले गुरुमुखी, सबका नहीं कैसे, कोई बिरले गुरुमुखी उनकी कदर भी पहचानते हैं, उनको उनकी वो शैली को जान लेते हैं कि ये कोई साधारण संत नहीं है। दुनिया नहीं जानती, दुनिया विरोध करती है, पर उनके जाने के बाद इस दुनिया के दिलों में वो जगह बना लेते हैं, उनकी सच्चाई नहीं छुपती है। सजनों, वो महापुरुष तो चले गए पर आज उनकी महिमा कीर्ति हम मुख से गाते हैं, पर हमारा दिल है जो कितना आनंद आनंद मिलता बताओ। मीरा का चरित्र गाते हैं, महापुरुषों के भजन गाते हैं, कितना सुख मिलता। और वास्तव में उन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चल के भजन कर ले तो अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं है। धन्य है मीरा को, इन्होंने रात दिन परमात्मा को पुकारा, हे परमात्मा आप आओ, हम आपके चरणों के दास हैं। धन्य है मीरा, परमात्मा के लोक में चली गई। ऐसी महान भक्त शिरोमणि मीराबाई की महिमा अनंत अपार है, पर आज के सत्संग में हम मीराबाई की पर्ची को यहीं संपूर्ण करते हैं, यहीं विराम देते हैं। मीराबाई की पर्ची को बोली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की, बोली भक्तपुर भगवान की।